दिल्ली हरियाणा नेशनल हाईवे रात के 10 बजे के बाद एकदम सुनसान हो जाता था। कहा जाता है कि रात के 10 बजे के बाद यहाँ भूत प्रेत का वास होता है। यहाँ रात के समय किसी भी ड्राइवर का रुकना खतरे से खाली नहीं माना जाता। एक बार की बात है, सुबह तकरीबन 10:30 बजे अपने ट्रक से हरियाणा जा रहा था, तभी उसे बीच सड़क पर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। वो बीच सड़क पर हेल्प के लिए गाड़ियों को रुकवा रही होती है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रोकता। आखिर ये कौन है जो बीच सड़क पर यूं रो रही है? देखने में तो बहुत ही सुंदर और बेचारी लगती है, कहीं चुड़ैल तो नहीं? नहीं नहीं, चुड़ैल कहाँ इतनी सुंदर होती है। यही सब सोचते हुए सुबोध तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और जब सुबोध की ट्रक उस औरत के पास पहुंचती है, भैया रुकिए प्लीज, भैया गाड़ी रोकिए, मेरी हेल्प कीजिए। सुबोध गाड़ी रोकता। क्या हुआ जी, आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं? भैया मैं दूर गांव से आ रही थी, पैदल चलते चलते रात हो गई, लेकिन साधन भी नहीं मिला, बहुत रात हो चुकी है, मेरी हेल्प करो। बस यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जाते जाते मुझे वहाँ छोड़। सुबोध को उस औरत पर दया आ जाती। अच्छा ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। मुझे पीछे डर लगेगा, आगे बैठूं, आपके बगल की सीट खाली तो है। अच्छा ठीक है। फिर सुबोध उस औरत को ट्रक में बिठा लेता है और ट्रक चलाने लगता है। ये माचिस की डिब्बिया की ट्रक है क्या? नहीं तो। तो इतने धीमे धीमे क्यों चला रहे हो, पहले कभी ट्रक नहीं चलाई क्या? मैं 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। फिर भी नहीं सीख पाए कि ट्रक कैसे चलाते हैं? तुमसे अच्छी ड्राइवर तो मैं हूँ। वैसे यहाँ से कुछ दूर पर मौत का मोड़ है, कोई भी उस मोड़ पर बचता नहीं है, अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो पक्का तुम हमें उस खाई में गिरा दोगे। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम ट्रक मुझे दो, मैं चलाती हूँ। तुम्हारे भरोसे रही तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वहीं उस औरत के काफी जिद करने पर सुबोध स्टीयरिंग उसके हाथ में दे देता है। वहीं चुड़ैल स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ ट्रक को बड़ी ही तेजी से भगाती है। अब ट्रक हवा से भी तेज भाग रहा, ये देख सुबोध घबरा जाता है। पागल हो गई हो क्या? अगर ऐसा रहा तो हम पक्का खाई में गिर जाएंगे। तभी वो औरत सामने से आती एक ट्रक को उड़ा देती है। अरे ये क्या किया तुमने? अगर मैं उसे टक्कर ना देती तो वो ट्रक हमें टक्कर देकर मार देती। ये एक जंग है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम सुरक्षित हो। तभी सामने से एक और ट्रक आती है, और तभी वो औरत बड़ी ही रफ्तार से उस ट्रक को टक्कर मार देती है, और वो भी खाई में जा गिरती है। ऐसी वो औरत हाईवे पर चलने वाली सभी ट्रक को टक्कर मारी जा रही थी। कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम किसी खाई के बारे में कह रही थी, वो क्यों नहीं आई अभी तक? और तुम्हारा गांव तो बहुत पीछे छोड़ चुका है। इतने में उस औरत का रूप बदल जाता है और वो एक चुड़ैल बन जाती। मैं तो खून की प्यासी हूँ, मेरी भी मौत इसी तरह हुई थी, मैं इस हाईवे पर आने जाने वाले किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल सुबोध पर झपट्टा मारती है और जैसे ही उसकी गर्दन पर काटने जाती है, सुबोध मौका पाकर ट्रक से कूद जाता है और जंगल की बड़ी ही तेजी से भागता है। वहीं चुड़ैल उसका पीछा करने लगता। वहीं भागते भागते सुबोध जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। तभी उसे वहाँ एक मंदिर दिखता है और वो उसमें चला जाता है। चुड़ैल मंदिर में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बाहर ही रुक जाती है। आखिर कब तक बचेगा तू? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो इसका अंत होकर रहेगा। फिर सुबोध मंदिर में लगी घंटी निकाल लेता है और उसी से मार मार कर चुड़ैल को घायल कर देता है, और फिर वो उस पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे कुछ ही पल में चुड़ैल की आत्मा भस्म हो जाती है और वो हाईवे चुड़ैल के प्रकोप से मुक्त हो जाता है।